हेलो एवरीवन, आज हम महादेवी वर्मा जी का संस्मरण यानी कि उन्होंने जो अपने बचपन के दिनों के बारे में लिखा था इस पाठ का संक्षिप्त में हम समझेंगे कि इस पाठ में हमें क्या बताया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, हमें अपने बचपन की याद ताउम्र रहती है, आकर्षण हमारे अंदर होता है, उसके भीतर होता है, हालांकि परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। बचपन से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। महादेवी जी का जो परिवार था वो अपने परिवार के बारे में बताती हैं कि वह कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी, यानी कि उनकी परिवार में 200 वर्षों तक कोई भी लड़की नहीं थी और उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, यानी कि मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनके बाबा ने दुर्गा पूजा की थी और उनकी कुल देवी जो थी दुर्गा थी, इसलिए उन्हें काफ़ी अच्छे से उनका पालन पोषण किया गया। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई, उससे पहले परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। माता जी जो थी वो पूजा पाठ भी किया करती थी और उन्होंने उसे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। उनके दादाजी उन्हें काफ़ी पढ़ाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे, विदुषी होती है विद्वान स्त्री, पढ़ाना चाहते थे और पंचतंत्र भी उन्होंने पढ़ा, संस्कृत भी सीखी उन्होंने। एक दिन उन्हें पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को बुलाया गया तो वो चारपाई के नीचे जा छुपी। फिर एक पंडित जी आए जो उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए आते थे, उनकी माता जी भी संस्कृत जानती थी। बाद में उन्हें मिशन स्कूल में रखा गया लेकिन मिशन स्कूल उनको पसंद नहीं आया और वहाँ जाने में रोने धोने लगी। फिर उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया जहाँ वो पाँचवीं क्लास में भर्ती करी गई। वहाँ का वातावरण उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और हिंदू लड़कियाँ भी वहाँ थी, ईसाई लड़कियाँ भी वहाँ पर थी, उनका एक ही मेस था और वहाँ छात्रावास में हर कमरे में चार छात्राएं रहा करती थी। ये देखो यहाँ पर क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। उनमें पहली साथिन जो थी वो थी उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान और यहाँ पर वो मीरा के पद गाती भी थी और कुछ कविताएं भी लिखा करती थी। सुबह सवेरे जो था क्या करते थे, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था और प्रभातियाँ भी गाई जाती थी। प्रभाती क्या होती है, सुबह सुबह गाया जाना गीत जो होता है, शाम को मीरा का कोई पद गा लेती थी और सुन सुनकर उन्होंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर सुभद्रा जी जो थी वो खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा जी काफ़ी प्रतिष्ठित हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि महादेवी तुम कविता लिखती हो, तो मैंने डर के मारे कहा कि नहीं, और फिर उन्होंने किताब की तलाशी ली तो उसमें से बहुत सा कुछ आया। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने पूरे हॉस्टल में बता दिया कि ये कविता लिखती है। यहाँ देखो उस समय कौन सी पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण कविता जो है दर्पण पत्रिका आती थी और उसमें जो है अपनी कविता ये लोग भेज दिया करते थे। तब 1917 का समय जब था तो सत्याग्रह आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था और हिंदी का प्रचार भी काफ़ी बढ़ गया था। इसमें उनको वहाँ से मैम लेकर के जाती थी, वहाँ पर ये कविताएँ सुनाया करते थे और जो हरिओत जी थे वो अध्यक्ष थे, श्रीधर पाठक जी भी वहाँ पर होते थे, माता जी, ये सभी बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ पर होते थे। एक बार उनको फर्स्ट पुरस्कार मिलता है और एक बार की घटना वो बताती हैं कि उन्हें चांदी का एक कटोरा मिला था, काफ़ी सुंदर था, नक्काशी थी उस पर और उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। फिर उन्होंने उसे कटोरा दिखा करके कहा कि देखो मुझे यह कटोरा मिला है, तो फिर उसने कहा कि तुम एक दिन इसमें खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। उसके कुछ दिन बाद वहाँ पर गांधी जी आते हैं और जेब खर्च लोग दे देते थे उन्हें देश बचाने के लिए और जो पैसा होता था उन्हें दे देते थे। एक दिन जब वो बापू के पास गई तो कटोरा भी लेती गई तो उन्होंने कटोरा उन्हें दिखा।
पर मुझको यह कटोरा मिला है। गांधी जी कहने लगे कि अच्छा दिखाओ तो मुझको, और उन्होंने कटोरा जो था उनकी ओर बढ़ा दिया। हाथ में लेकर के कहा कि तू देती है इसे, अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, तो उन्होंने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या किसी में भी खिलाओ। उसके बाद देखो क्या होता है कि फूल के कटोरे में खिलाओ। सुभद्रा जी जो थी छात्रावास छोड़ करके चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जो थी जेबुनिसा आई और वो कमरे में आकर के रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क भी साफ कर दिया करती और किताबें भी आराम से सारी चीज़ें संभाल करके रख देती थी, और वह हिंदी भी बोलती थी। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिला के कुछ कहती, यानी कुछ मराठी में जब वह कुछ बोलती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रहा जाता, तो वह कहती वाह देसी कौवा मराठी बोली, वाह देसी कौवा मराठी बोली, यानी कि तुम तो मराठी बोलती हो। फिर वह कहती थी हाँ मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलूँगी। इस तरह से वहाँ देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी, वहाँ पर कोई धर्म का भेदभाव नहीं था। फिर वह कहती हैं कि मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता चला आ रहा है। और ये सब देखो यहाँ पर उनकी बातें बताई गई हैं कि उनके यहाँ जवारा के नवाब, जब वो बचपन का एक संस्कार भी था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी और वो एक बंगले में रहा करते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहा करते थे, उन्हीं के पास घर था और उनको उनकी जो बेगम थी उसको हम ताई जी कह करके बुलाया करते थे, ताई साहिबा भी कहा करते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, महादेवी वर्मा की माँ को चची जान कहते थे। वहाँ सबका जन्मदिन मिलजुल करके मनाया जाता था, राखी बांधी जाती थी और सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से गिफ्ट का आदान प्रदान भी किया जाता था। उस समय पर ताई साहिबा ने कहा कि देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक से रखें, जब लेखिका का भाई उत्पन्न होता है मैं शाम को आऊँगी, और वे कपड़े वपड़े लेकर के आई। माँ को वो क्या कहती थी, दुल्हन कहा करती थी महादेवी की माँ को, और बच्चे के लिए कपड़े जब लेकर के आती है तो कहती है कि यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ, और महादेवी के भाई का नाम मनमोहन रख देती है। वहीं पर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जो है, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे, और यानी कि ये इनके छोटे भाई हैं महादेवी जी के। मेरा छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था, और उनके यहाँ की हिंदी भी चलती थी उर्दू भी चलती थी, वे घर में अवधि बोलते थे। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, यानी कि वातावरण ऐसा था कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देख करके, यानी कि अभी जो समाज में चल रहा है, भेदभाव चल रहे हैं, उसको देख करके लेखिका कहती हैं कि आज की स्थिति होती तो यह सपना सत्य हो जाता और भारत की कथा कुछ अलग ही होती।